हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या वो आपको कुछ कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में कमिटमेंट की कमी है और बार बार ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तो आप आराम से सोच लीजिए कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, और अगर देंगे तो कब देंगे, क्या वो फील कर रहे हैं आपके बारे में, और क्या चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ साइंस हैं जो आपको मिल रहे हों। सी, आपको अपना यहाँ से अल्फ़ाबेट नहीं चूज़ करना है, यहाँ से उनका उनके नेम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है, जो भी आपके पार्टनर का, आपके लवर का, आपके हस्बैंड का, या आपके कोई भी जो जिसके साथ भी आप रिलेटेड हैं या जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, उनका जो नाम का अल्फाबेट है वो चूज करना है। सपोज मेरे नाम का अल्फाबेट आरती है, बट मेरे हस्बैंड के नाम का अल्फाबेट आर है, तो अगर आर है तो आपको आर को चूज करना है, यानी कि ये वाला फाइल आपको चूज करना है जो उनके नाम का अल्फाबेट है, जो उनके नाम का इनिशियल है, उसको आपको चूज करना है, और वो फाइल आपको फिर चेक करना है कि उस फाइल में आपके लिए क्या आ रहा है। तो किस तरह के जो रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं, या वो कभी आपको कमिटमेंट देंगे, अगर देंगे तो वो कब देंगे, और कितनी जल्दी आपको लगता है कि आपको जो है वो कमिटमेंट मिल सकती है, तो फ्रेंड्स ये आपको जो देखना है वो अपने अल्फाबेट से नहीं देखना है, ध्यान से देख लीजिए, ये आपने अपने पार्टनर के अल्फाबेट से देखना है। तो आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आराम से देख सकते हैं कि कौन सा पाइल जो है वो आपका आ रहा है, कौन से पाइल में आपको चूज करना है, तो उसी में हम आप देखेंगे। सबसे पहले हम इस पाइल को देखेंगे फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी ये फाइल चूज किया है जिसमें ये अल्फाबेट्स हैं, उनके पार्टनर के नाम के अल्फाबेट्स ये हैं, जिन्होंने भी ये फाइल चूज किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या ये डिवाइन कार्मिक रिलेशन है जिसमें कमिटमेंट है या नहीं है, अगर है तो किस तरह की है। देखिए, दो तरह की फोर्सेस हैं जो आपकी लाइफ में जो है वो इम्पैक्ट कर रही हैं। कुछ इस तरह की फोर्सेस हैं जो बार 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 आप चाहें या ना चाहें, देखिए वो बार बार आपके ऊपर पैरेलली दोनों तरह की फोर्सेस जो हैं वो आपके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, और वो जो इम्पैक्ट करती हैं उनका क्या इम्पैक्ट आता है वो तो आपके सामने ही है, पर आपको कोई सीक्रेट जरूर पता चलेगा इन दिनों में, जो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि चीजें जो हैं वो काफी हद तक जो है वो क्लैरिफाई होंगी, जो चीजें अभी तक आपको पता नहीं चली थी, जो बार बार आपको लगता है कि आपको बार बार ऐसे लगता है कि मैं बहुत बंध गया इस रिलेशनशिप में, बंध गई कि ना मैं इस रिलेशनशिप से बाहर जा पा रही हूँ, ना ही मैं इस रिलेशनशिप में इंजॉय कर पा रही हूँ, तो ये कैसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ना मुझे कहीं पर भी मुझे चैन नहीं है, कहीं पर भी मुझे रिलीफ नहीं है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कोई सीक्रेट, कोई बात आपको इस रिलेशनशिप के बारे में समझ में आने वाली है, अपने पार्टनर के बारे में समझ में आने वाली है, जिससे कि आपको क्लैरिटी होगी कि जो सिचुएशन आपके साथ, जो अभी आप फील कर रहे हैं, जो सिचुएशन आपके साथ होने वाली है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आगे जो कार्ड जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हालांकि बहुत ही ऑड है, हालांकि बहुत ही ऐसे मुश्किल लग रहा है कि वो कमिट करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में कमिटमेंट दे चुके हैं, तो उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बार बार चेंज हो जाती हैं फ्रेंड्स, और वो जो है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटीज को कहीं और भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, लेकिन कुछ ऐसा मैसेज उनकी तरफ से आने वाला है जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होगी। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो कितना भी हो जाए पर मून जैसे शिफ्ट करता है, मून जैसे ही कहीं ना कहीं इधर से उधर होता है, तो आपको एक हिसाब से कहीं ना कहीं आपको मैसेज मिलने वाला है उनकी तरफ से कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपको अभी भी अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में सब कुछ करके देख चुके हैं, अब उन्हें बैलेंस करना है, अब अपनी लाइफ में इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, जो भी चेंजेस, जो भी चीज़ें थी, जो भी
प्रॉब्लम्स रही हैं उनकी लाइफ में, उनके साथ भी वो बार बार कोशिश करते हैं कि आपको भूलें, तो भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि नाउ ही इज़ रेडी और शी इज़ रेडी टू कमिट. जो कमिटमेंट कहीं मुझे नहीं दिख रही थी, जो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स में कन्वर्ट हो चुकी थी, जो ऐसे लगता था कि वो कहीं कमिट नहीं करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आप कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं. वो खुद भी बहुत ज़्यादा अपने आप को सैड महसूस कर रहे हैं, पर वो 100% आपकी तरफ आप आना चाहते हैं. जो भी उनसे गलतियां हो गई, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हो गई, या जो भी उन्होंने गलत किया आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा शायद कुछ इस तरह की बात कर दी जो आपने भी कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं की थी, कहीं मदर या मदरली लेडी हो सकता है कि उन्हें गाइड करे. और जो आपके अंदर ये फीलिंग है कि बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बाइंडेड महसूस करते हैं उस रिलेशनशिप में, तो वो कहीं ना कहीं अब जो है वो डिवाइन जस्टिस तक बात जा रही है. तो ये बात तो सामने आएगी ही आएगी कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात आएगी. ज़रूर यहाँ पर पैसों से रिलेटेड भी कुछ एक इश्यूज हैं जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं. किसी की बीमारी को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं. तो मैंने आपको कहा ना कि जैसे कोई राज की बात निकलेगी, वो राज की बात आपको बात को समझने में, चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगी. और ये कुछ रिटर्न भी हो सकता है, कुछ रिटर्न भी निकल कर आए, जहां से फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में जो है कमिटमेंट जो है वो ये करने को तैयार हो चुके हैं. हालांकि वो कमिटमेंट जो है शायद आपके लिए अब उतनी ही कमिटमेंट देना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको एकदम से जो है रिलेशनशिप में बहुत धक्का पड़ चुका है, तो आपको ऐसे लगे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है. देखिए हर्मिट है आपको खुद ही गाइड करना है, ये कार्ड आ गया है, और आपको लगे कि हाँ पैसों की कोई इशू रहा है, लेकिन आप मैरिज की तरफ जा रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है वो कमिटमेंट की तरफ जा रहा है. फ्रेंड ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत आगे जा चुका है. उनकी आत्मा, उनके मन, उनके अंदर से आपके लिए बहुत प्यार निकल रहा है. जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उसे काफी हद तक सॉल्व करने में सक्षम हो चुके हैं. और देखिए टेम्परेंस यानी कि सिर्फ पेशेंस आपको रखना है. अगर आप पेशेंस रखते हैं तो उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज थे जिनकी वजह से वो कमिटमेंट देने में बहुत पीछे हट रहे थे, और उन्होंने बहुत बहुत आपका टाइम भी लिया, बहुत टाइम भी वेस्ट किया, और आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ प्यार किया या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी किए हैं फ्रेंड्स, बट वो एफर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़ीरो लग रहे थे. अभी तक आपको ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आपने जो एफर्ट्स किए उसका कोई फल आएगा या उसका कोई भी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे. लेकिन अब जो चीज है वो सब मुश्किल से मुश्किल चीज को भी क्रॉस किया जा चुका है, और कहीं ना कहीं नाउ ही एंड शी इज रेडी फॉर द कमिटमेंट एंड दिस इज अ हैप्पी मैरिज विच आई कैन सी फॉर यू एंड डिवाइन जस्टिस मिल रहा है. तो कुछ जो भी प्री ऑक्यूपेशंस थे, जो भी चीजें थी जो पास्ट की थी, जो भी चीज़ें थी जिसमें कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर बहुत इश्यूज बन रहे थे, तो वो कमिटमेंट जो है वो पूरी अब होने वाली है, और ये जो है वो आपको पूरी तरह से कमिट करेंगे. तो ये जो आपके फ्रेंड हैं वो जो भी नोन है या लवर हैं आपके, तो वो आप अब आपको कमिटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं. नेक्स्ट 3 to 6 months के अंदर आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ आने वाली है, वरना आपको इस मंथ भी ऐसा कुछ ऐसे मिल सकता है कोई ना कोई इंडिकेशन जिसमें वो आपको बता सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, या आपकी दिल की किसी इच्छा की पूर्ति हो सकती है. बस आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना फ्रेंड्स. अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी जिनके भी पार्टनर का नाम या इनिशियल्स इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, तो आपने ये पाइल चूज किया क्योंकि आपके पार्टनर का नाम इनिशियल्स से इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है. तो उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग कैसी आई है फ्रेंड्स. कार्ड्स को शफल करके मैं आपके सामने ले करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि ये इंस्टेंट रीडिंग में आपके लिए क्या आ रहा है, कि क्या वो आपके लिए कमिट करेंगे या करेंगे तो वो कब करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो आप अपने टाइम को बिल्कुल भी ऐसे मत लगाइएगा, आगे चलिएगा. देखिए क्वीन ऑफ फोर्सेस है, तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो उसके साथ साथ आपको अपने अंदर भी बदलाव लेना चाहिए. देखिए फोर्सेस का सारा किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गया, तो कहीं ना कहीं जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. नेचर ही है जो बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रही हैं. आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, चीज़ें ऑन ट्रैक आने में टाइम लगेगा, और हो सकता है कि आपको यहाँ से हटके कुछ अपने बारे में सोचना पड़े. और ये भी आपके लिए ये है कि जैसे
मच वाटर इज अंडर द ब्रिज नाउ. बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं जिसमें बहुत सारी फोर्सेस जो है वो अपना काम कर चुकी हैं. आपको अपनी विल विजडम और अपने माइंड को जो है वो बहुत ज्यादा इसको बैलेंस करके आगे लेकर जाना है. अपने एक हिसाब से एक नया बर्थ हो रहा है आपका, तो आप अपनी बर्थ की तरफ जो भी है न्यू कमिटमेंट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो पुराने को आपको छोड़ना ही पड़ेगा. ये जो न्यू कमिटमेंट है आपके लिए ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि मुझे लगता है कि न्यू लाइफ जो है वो आपके लिए स्टार्ट होने वाली है. न्यू कमिटमेंट आ रही है. देखिए दो वर्ड्स में आप नहीं घूम सकते हैं, आपको एक ही वर्ड में जाना पड़ेगा, एक ही चीज आपको चूज करनी पड़ेगी. तो यहाँ से अगर हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो आप जितना भी कोशिश करें आपके जो पार्टनर है या तो वो मूव अहेड कर चुके हैं या आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है फ्रेंड्स जिसमें आप मूव अहेड होंगे. क्योंकि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन था जिसमें आपको पता चलना था कि ऐसा भी होता है. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम फेथ करके बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग कमिट करने के बाद भी कमिट नहीं करते हैं. तो इन्होंने तो आपके साथ कमिट किया ही नहीं है कभी भी क्योंकि ये अभी तक श्योर ही नहीं थे आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके प्यार को लेकर, अपनी सारी बात को लेकर. अगर वो श्योर ही नहीं है तो सोचिए कैसे मतलब आप उनके ऊपर अपने दिल की सारी तमन्नाएं पूरी करने का वो कर रहे हैं. लेकिन वो तो कुछ भी चाहते ही नहीं है और ना ही उन्होंने उसमें कमिटमेंट दिखाई, ना ही उन्होंने उसमें प्रेशर दिखाया, ना ही वो कोई एफर्ट करते रहे हैं हर बात के लिए, बात करने के लिए या रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए. आपने जितने भी एफर्ट्स किए फ्रेंड्स वो आपके कम नहीं है. आपने बहुत अपने आप को इसमें लगा दिया, बहुत रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जान डाल दी, बट वो जो है पास्ट वो कहीं ना कहीं आपसे कमिट नहीं करना चाहते हैं. और ये देखिए कैसे स्लीपलेस नाइट्स आपको दे रहे हैं, बार बार आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है. इसमें किसी लेडी की वजह से भी आपको इश्यूज आ रहे हैं और जजमेंट जो है वो करने का टाइम है जहां पर आपको आगे होकर कुछ ना कुछ डिसाइड करना है. अपने एक्सपीरियंसेस से देखिए लर्न करेंगे तो आप बहुत आगे जा पाएंगे. जो अपने मन में इतनी ज्यादा उलझन और इतने ज्यादा अपने चीजों को ले रखा है या किसी भी पास्ट को ले रखा है उससे बाहर निकलिए. कुछ लोग हैं जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पर न्यू कोई है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है क्योंकि हो सकता है कि ये किसी और को कमिटमेंट दे चुके हों ऑलरेडी. तो इन दिनों में अगर इन्होंने ऐसा दे दिया है, हालांकि वापस भी आपके साथ भी बिगाड़ नहीं रहे हैं, उनके साथ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो ये अब आपका डिसीजन होगा कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं देना है तो आपको चाहिए कि आप आगे मूव की करें ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें. क्योंकि कोई है जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो लाइफ में आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं, जो लाइफ में आपके साथ दुख तकलीफ को भी सहना चाहते हैं. देखिए एंड ऑफ रिलेशनशिप ऑलमोस्ट आ रहा है, चीज़ें जो है वो बहुत फास्ट फास्ट मूव कर रही हैं और कहीं ना कहीं इससे आपको खुशी भी होगी क्योंकि एंड रिजल्ट जो है वो बहुत खुशी का है. कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट में आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. ये हो सकता है कि मैजिशियन की तरह एक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा बन रहे हो, अभी भी बहुत अच्छा बन रहे हो, पर वो इतने अच्छे हैं नहीं. खुद ही ये हैंगमैन की तरह कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. बार बार जब आप पीछे हटना चाहते हैं तो आगे हो जाते हैं और आपको पीछे हटने भी नहीं देते हैं और खुद भी कमिट करने में बहुत ज्यादा देर लगा रहे हैं और करना भी नहीं चाहते हैं. तो मोटी बात ये है कि ये कमिटमेंट करना ही नहीं चाहते हैं. तो फ्रेंड्स अगर ये कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको किसी भी पर्दे में, किसी भी कैमोफ्लेज में नहीं रहना चाहिए. आपको उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए और डायरेक्ट बात करने के बाद भी अगर ये आपको कुछ भी डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये आज भी नहीं दे रहे हैं और कल भी नहीं देंगे. तो आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है. जो भी आपके रिलेशनशिप में गैप आया है, जो भी रिलेशनशिप में आपने इतने एफर्ट किए हैं, आप यहाँ से साइड पर होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है लाइफ में एक पार्टनर जो है वो वेट कर रहे हैं. यहाँ से तो एक न्यू कमिटमेंट मुझे सामने से दिखता है. तो हो सकता है कि इनकी प्रेजेंस के अलावा भी आपकी लाइफ में अपने आप से ही न्यू कमिटमेंट आ जाए. तो एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है जो मुझे दिखता है, जो बहुत ज्यादा कमिटेड भी है, बहुत ज्यादा प्यार भी है, बहुत ज्यादा एक हिसाब से आपको रिलीफ दे रहा है, पीस दे रहा है, आपको चैन दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा एक हिसाब से आपको बहुत ज्यादा आपके लिए कमिटेड है. तो आपके दिल की खुशियों का अगर वो चाबी उनके पास है और वो बहुत ज्यादा आपके दिल को केयरफुली मतलब आप उनके लिए आपकी वर्थ बहुत ज्यादा है, तो इसमें अगर अब वो आपके लिए कुछ भी एफर्ट करते तो मुझे लगता है कि आपको उसमें रिस्पांस देना चाहिए. पर डिसीजन देखिए फ्रेंड्स आपका अपना है. फिर भी जो मुझे समझ में आ रहा है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां कमिटमेंट नहीं होने वाली है. यहां कमिटमेंट
बहुत टाइम से नहीं ले रहे थे। अगर आज भी वो आपको कहते हैं कि कमिटमेंट लेंगे, पर कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि जिसमें वो कहेंगे कि मैं कमिटमेंट नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, और आई एम सॉरी फॉर दैट, और वो कुछ ना कुछ ऐसा रीजन आप ही की कोई गलती निकाल देंगे, आप ही किसी इसी बात को लेकर वो पकड़ कर बैठ जाएंगे, फिर आप ही की बात को वो एक हिसाब से सस्पिशन में ले लेंगे, और बार बार इसको करने के बाद भी, बहुत बहुत बार प्रूव करने के बाद भी वो कहीं ना कहीं बातों को घुमाने के बाद, मतलब वो एक हिसाब से खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनकी कंफ्यूजन अपने में भी बहुत है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं। मैं आपको पहले भी बता रही थी कि अपनी विल, अपनी विजडम और अपने माइंड के साथ आप डिसाइड कीजिए, वही आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि आपको अपने ही माइंड से, अपनी ही विजडम से यहाँ आगे चलना है। देखिए ये कार्ड अपने आप ही गिरा हुआ था, इसमें ये था कि अपना घर आपको खुद बनाना है, अपना नेस्ट आपको खुद बनाना है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, वो आपको बहुत कमिट नहीं कर रहे हैं। हालांकि कमिटमेंट देने का कार्ड आया है, पर वो कमिटमेंट देने में बहुत पीछे हट रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम में आ रही हो आपकी लाइफ में, और आपको भी एक न्यू कमिटमेंट जो है वो सामने से दिखता है कि एक न्यू कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। चीजें जो ऑन ट्रैक है उनको आने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए बेस्ट कि आप उन्हें डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट उनसे अपने दिल की बात करें, ताकि जो भी कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल आमने सामने हो, और उसके बाद आप अपने लाइफ में डिसीजन ले पाए। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत सुनहरा फ्यूचर है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत अच्छा लव आपकी वेट कर रहा है, एक न्यू कमिटमेंट आपकी वेट कर रहा है, जहाँ चारों तरफ से स्प्रिंग ही स्प्रिंग है, जहाँ चारों तरफ से फर्टिलिटी है, जहाँ चारों तरफ से पैसा, लव, केयर, और बहुत ज़्यादा एक टुगेदरनेस की फीलिंग मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। तो आप जो भी आपकी मिसिंग चीजें थी, वो सब मिसिंग चीजें जो हैं वो फुलफिल होने वाली हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो एक न्यू कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो था उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल टू, यानी कि जो भी अल्फाबेट अपने पार्टनर का था उसे चूज किया था, बी वाला पाइल जो था। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है फ्रेंड्स। ये मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप मुझे एनकरेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।